जिस बंदे ने 10 साल से कुछ नहीं बोला उसके इतना ना बोलने से टेंशन नहीं था जितना उसके सिर हिलाने से टेंशन हो गया था। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक नहीं है ना? होगा भी कैसे, आधे तो इसमें वो लोग बैठे हैं जो बीवियों के सताए हुए हैं और आधे वो हैं जो गर्लफ्रेंड द्वारा भगाए हुए हैं। खैर ये आपका अपना इशू है, लेकिन हमारे देश में इन सबसे बड़ा एक और इशू है और वो है बेरोजगारी का। मतलब यार बीमारी है ये एक, और ऐसी भी ऐसी बीमारी अगर किसी की जिंदगी में लग जाए तो जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेती। आप लोग भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो बेरोजगार रहे होगे या बेरोजगारी आई होगी, लेकिन मैंने कमाई थी अपने पिताजी से। आप लोग तो जवानी में बेरोजगार हुए होगे, मैं बचपन से ही बेरोजगार था। मतलब मेरी नजर जो है मेरे पापा के पैसों पर थी, तो मैंने एक दिन अपने पापा से कंपट खाने के लिए पैसे मांगे। कंपट तो जानते होगे आप लोग, हाँ संतरे वाली टॉफी, 90s की फसल लग रहे हो, 90s वालों को सब पता रहता है। तो मैंने अपने पिताजी से एक दिन कंपट मांगी, कंपट के लिए पैसे मांगे, मना कर दिया। उसी दिन से मैंने ठान लिया कि कुछ बड़ा करना है और पिताजी से पैसे नहीं मांगने। लेकिन बाप बेटे के झगड़े की ये बात माताजी को पता लग गई और वो समझौता एक्सप्रेस बनकर बीच में आ गई। और जैसे करोड़ों रुपए देकर पाकिस्तान के सिर पर छत आई थी ना, वैसे माता जी के एक रुपए देने पर मेरे पास 16 कंपट आई थी। लेकिन बाप बेटे का झगड़ा आपस में तैयार हो गया था मनी मन में। खैर ले देके जैसे भी पढ़ाई पूरी की और नौकरी के लिए निकला, और जैसे ही नौकरी के लिए निकला मोदी जी की सरकार आ गई। बाबा सब कुछ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि बेरोजगारी आ गई, बेरोजगारी आ गई, बेरोजगारी आ गई। मैं खुद कुछ दिन तक टेंशन में रहा कि मोदी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार आई है या फिर बेरोजगारी की सरकार आई है। ऊपर से जो 10 साल से बंदा कुछ नहीं बोला वो भी सिर हिला के बता रहा है बेरोजगारी आ गई। राहुल बाबा बेरोजगारी आ गई। जिस बंदे ने 10 साल से कुछ नहीं बोला उसके इतना ना बोलने से टेंशन नहीं था जितना उसके सिर हिलाने से टेंशन हो गया था। ऊपर से नेपाल वाले 3 करोड़ में से 1 करोड़ तो यहां रोजगार पर कब्जा करके बैठे हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटेड था मैं। मतलब जब मुझे इन पर गुस्सा आती ना, मैं क्या करता, एक मोमोज को ऐसे लेता और यूं दबा देता, दाएं बाएं से जो मोमोज के अंदर से निकलता है ना, ऐसे लगता भारत हाथ में रह गया और दाएं बाएं से नेपाली निकल के भाग रहे हैं नेपाल में। इतना फ्रस्ट्रेटेड था। खैर वो अपने भाई हैं। खैर इस बीकॉम पास को एक 8वीं पास वाली नौकरी लग गई। कोई काम नहीं था, बैठने का काम था, बाकी काम तो सब क्लर्क करते। और कभी कुछ सुनने का मन करता तो घंटी सुन लेते, और कभी कुछ पीने पिलाने का मन करता तो पानी पिला देते। पता तो लगी गया वो कौन सी नौकरी थी। बाकी कोई काम नहीं था, बाकी 4 महीने खूब जम के काम किया और हजार हजार के 10 नोट इकट्ठे किए। और जैसे ही पिताजी के पास पहुंचे, जिस रात पिताजी के पास पहुंचे रोजगार की धमक दिखाने, अपने करारे नोटों की चमक दिखाने, उसी दिन नोटबंदी हो गई यार। मतलब जन्म कर्म में कुत्ते शिकार कर चली, वो भी कुत्तों ने घेर ली। ऐसे लग रहा है जैसे ये कहावत मेरे ऊपर बनाई गई थी। वैसे भी रोजगार नहीं था, ऊपर से ये क्या कहते हैं मट्टी हो गए रुपए। उस दिन से मुझे पता चला कि मेरी जो लड़ाई है मेरे पाप के साथ नहीं है, मोदी जी के साथ है। कट्टी कर ली मैंने उनसे। वो तो मुझे वैसे भी नहीं जानते थे और मैंने भी सोच लिया मैं इन्हें पहचाना नहीं करूंगा।
टीवी पे जब भी आते मैं पहचानता ही नहीं, इग्नोर करने लगा। खैर 6 सालों बाद एक अच्छी नौकरी लग गई, एक बढ़िया सी नौकरी, मेरी बेरोजगार घूमने के बाद 6 साल एक अच्छी सी नौकरी लग गई। लेकिन हालत देखो मेरी, उसके 2 महीने बाद ही लॉकडाउन लग गया, घर बंदी हो गई यार। मतलब ये बीमारी मेरी जिंदगी में जाने का नाम ही नहीं मेरी। मुझे तो लग रहा है मैंने जो मोदी जी से कट्टी की थी वो सीरियस नहीं ले रहे आप लोगों ने, तो ये तो बता देने जाके कि भाई मजाक कर रहा था बंदा। खैर ऐसी प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं, जिनकी प्राइवेट जॉब होती है उन सबके साथ आती हैं इस तरह की। बाकी गवर्नमेंट वालों की तो एक बार जो लग गई तो फेविक्विक से चिपक गई, तो उसका जोड़ तो जल्दी छूटता नहीं। बाकी प्राइवेटों के साथ तो ये लगा ही रहना। थैंक यू वेरी मच। अरे गुजार। हाँ कैसी लगी वीडियो भैया? बढ़िया लगी ना? बढ़िया लगी तो लाइक कर दो और नीचे से बेल आइकन को बटन है जाओ दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कौन सी चीज पसंद आई है वीडियो में। अगर पसंद आई तो कमेंट में लिखो यार, तुम्हारी जो बात है कमेंट में लिखो ये तो हमें जो कहा कहते हैं आगे बढ़ाने को काम करेंगी। लिखो आप कमेंट में कौन का पसंद आया वीडियो में, लिखो जल्दी।